हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी 11:30 बज गए हैं, हम कोई काम ही नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो इधर से घूम के आते हैं, एक छोटा मोटा ब्लॉग भी हो जाएगा। और यहाँ फोन आते में पकड़ लो, पर पता नहीं कैसे लोग देखने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाता है। और आज बहुत बहुत अच्छा मौसम लग रहा है यार, पता नहीं किस चीज का यार आवाज आया कितना है। तीन तीन लोग, और तीनों लोग में से एक को तो हेलमेट नहीं लगाए, तीनों और ये देखो इधर, ये वो टोपी लगाए, हेलमेट की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, कोई मिलेगा थोड़ी चेकिंग वाला हो चेक। और हेलमेट के लिए कोई रोकता ही नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है क्या, जब कुछ कोई कहेगा नहीं, रोकेगा नहीं, तो कहाँ लगाएंगे लोग हेलमेट, सिर थोड़ी उससे बच रहा है, उससे कहाँ सिर बच रहा है। अजीब अजीब लोग हैं यार ये पता नहीं कौन सी प्रथा है यहाँ का, यहाँ की हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं तो अपने आप को मतलब लकी फील करते हैं। ये देखिए ऐसा लगता है बड़ी बहुत लक वाला काम कर दिया है, हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं। अब जैसा कि मैं लगाए हूँ तो अभी मैं गर्मी में कहीं होता या किसी से प्यार कर होता तो मुझसे उल्टा कहते हैं हेलमेट लगाए हो गर्मी ना लगा करता, कैसे चला ले तो अपनी गर्मी में। अरे भैया गर्मी ठंडी तो बातें अलग है, जब खोपड़ी में चोट लगो तो बस बिल्कुल ननमुन हो जाओ, तो हाथ पांव पटकने लगोगे, तेरे नाम के सलमान खान बन जाओगे। इसीलिए भैया मुझे नहीं बनना है, बनना तेरे नाम का सलमान खान, इसीलिए मैं हेलमेट हुआ लगा लेता हूँ चाहे जो हो जाए, मैं बिना हेलमेट लगाए जल्दी नहीं आता हूँ। 95% तो ऐसा होता ही नहीं कि मैं हेलमेट मतलब लगा के ना आऊँ, बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कोई मांग लिया कि हाँ बस 5 मिनट में आ रहे हैं और मना भी नहीं कर पाते कभी कभी, तब वो बात अलग है, वरना नहीं। हम तो पहली बात तो किसी को हेलमेट देते नहीं, लगा के ही चलते हैं। अरे ये बात है, बारिश का मौसम आ गया है, अब रोड पे बहुत गार्डनिंग, तो भैंस भी यहाँ बन दी है। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा सारे जानवर सब घर ही चले आते हैं, अरे यार पता नहीं क्या है आवाज कर रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आता। अरे कहा भैया कहा बात, आज मार्केट पर ना आइयो, ये सड़वे वो बहुत बुरे मार करते पप्पा, वो उन परसों वर्षों में वीडियो डाला था, अरे पप्पा वो बहुत बुरे मार करो, उठा उठा के भाव इस तरह मार तो आदमी लोग नहीं कर पाते हैं। और सींग दोनों का बरबर सींग था, पड़रा से आके फाट दे बोलता था, सींग जब लड़ता था दोनों का, मैंने तो देखा, मैं दूर से ही मैंने देखा, मैंने सोचा पप्पा मैंने मम्मी में मेरे नहीं जाऊंगा, वरना भी तन को ठांस दिया, तन को एक तो क्यों रगड़ लग गया, तो मैं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, पाँव वाँव सब बटोर देगा वो। और यार थोड़ा बहुत बारिश हुआ है कल, आज शुक्र है कि धूप है दिख रहा है। अरे कटने वहाँ देना है, अरे मैं भी जूम करूंगा तब दिखाऊंगा, इतने यहाँ भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ थे, कोई चराने है, कोई फॉर्म होम होगा, फर्म होगा वो जो पालते हैं भेड़ और बकरी ऐसे ही,
और ये बाबा सजीर होता तो अभी इससे पूछता, कहाँ जात हो, कहाँ जाइय हो, काहे जाइय हो, काहे कत्ती जाइय हो, न जाओ, छोड़ो राज, हटाओ, ये रहा। अरे वो बहुत क्वेश्चन कर लेता भैया, वो बहुत बुरे क्वेश्चन करता है। उसका क्वेश्चन का आंसर, वही नहीं दे पाता है। आदमी परेशान जब होता था बस पिता पास, अब नहीं पूछना, अब अगर तुमने पूछा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे इसका फोन आ गया, मुझे दिखा भी नहीं, इसका फोन आ गया। एक जाओ मैं देख लूँ पहले बाइक रोक के।